हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मौसम साफ रहने वाला है। इस दौरान बारिश बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है, जबकि 25 फरवरी से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ दोबारा सक्रिय होगा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। हो सकती है, लेकिन बाकी प्रदेश में बादल रह सकते हैं, लेकिन मौसम जो है आमतौर पर ड्राई रहेगा। उसके बाद एक दूसरा पश्चिम विक्षोभ जो है 28 के आसपास अप्रोच करेगा, तो 28 फर्स्ट और 2 मार्च में मौसम फिर से खराब रहेगा और ये डिस्टरबेंस थोड़ा एक्टिव है, तो इससे प्रदेश के लोग ज़्यादातर हिस्सों में संभावना है कि बारिश होगी और ऊपर के जो जिले हैं वहाँ पर बर्फबारी होगी। हाँ सर, बात की जाए पिछले साल के मुताबिक इस बार जो है बर्फबारी बहुत कम हुई है सर, क्या कारण मानते हैं सर? एक तो यही है मेन कि जो जो डिस्टर्बेंसेस हैं इस साल, एक तो आई कम है और आई भी हैं तो बहुत ऊपर से निकल गई हैं, तो निचले क्षेत्रों में काफ़ी कम जो है बारिश और बर्फबारी दिया है। दूसरा कारण ये है कि ज़्यादातर ये जो है खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल के जो एडजॉइनिंग जिले हैं वहाँ पे आके डिसिपेट हो गई, बहुत मूवमेंट उनकी ईस्ट वर्ड कम रही, जिससे स्नोफॉल जो है शिमला जिला, किन्नौर और सिरमौर में काफ़ी कम देखने को मिला। तो ये दो वजह मेन है जिसकी वजह से इस साल जो है स्नोफॉल डेफिसिट रहा। तो अगर सर बात की जाए आगामी दिनों की, तो शिमला में जो पर्यटक आ रहे हैं उनको सर बर्फबारी का नज़ारा देखने को मिल सकता है सर? ये शिमला में तो संभावना कम बनती है, लेकिन जो ऊपर के शिमला के एरिए हैं जैसे कुफरी है, नारकंडा है, इन इलाकों में 21st और 2nd के बीच में संभावना है कि स्नोफॉल देखने को जरूर मिलेगी टूरिस्ट को भी। तो आगामी साल भी सर इसी तरह का रहने वाला है गर्म, जिस तरह से सर गर्मी बढ़ती जा रही है, तो जून जुलाई के महीने में सर वैसे ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इस बार टेम्परेचर सर किस तरह का जो रहेगा? टेम्परेचर तो जैसे हमने पहले भी इंडिकेट किया था कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा ही रहेंगे, खासकर मैक्सिमम टेम्परेचर, और अगले 2 दिनों में ऑलरेडी जैसे 5 डिग्री चल रहा है शिमला का न्यूनतम और 16 डिग्री अधिकतम, तो इसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो आने वाले जो मंथ्स हैं जैसे विंटर फरवरी एंड तक या मार्च में टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे, और समर में भी संभावना यही रहती है कि थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। सर बारिश, अगर पानी की बात की जाए, बारिश अगर ज़्यादा ना हो इस बार ना हो पाई, तो सर पानी की भी किल्लत काफ़ी शहर में देगी, तो बारिश का सर किस तरह का माहौल रहने वाला है? बारिश जैसे वही संभावना है कि 28 फरवरी से 2 मार्च तक संभावना है कि ठीक बारिश होगी, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल के चांसेज है, शिमला में भी होने की संभावना है, लेकिन जिन जिन इलाकों में बर्फबारी कम हुई है वहाँ पानी की दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि बर्फबारी जो है नीचे पानी जाता है ज़मीन में, तो फिर फर्दर जो है वाटर रिजर्व्स में रिसोर्सेज में जाता है, तो असर जरूर रहता है कम बर्फबारी या बारिश का, डेफिनेटली रहता है। एक तो टेम्परेचर बढ़ते हैं और जितने भी सेक्टर इसमें जो है खेती है, वाटर रिसोर्स है, बिजली है, इन सेक्टर में उसका असर जरूर रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।